हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया, दैट इज़ गिवन बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नर्सिंग में किसी भी एग्जामिनेशन में GNM, BSc, MSc में पूछा जा सकता है। मेनली टॉपिक BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन के यूनिट सेकंड में इंक्लूड है, पर इस टॉपिक को हम इस साल BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर नर्सिंग मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में देख चुके हैं, इसमें ये आया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, किसी भी ईयर में इसको पूछा जा सकता है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग का। तो आइए देखते हैं कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है। एक कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इज़ ए नेसेसरी कंपोनेंट टू एनी प्रोफेशन टू मेंटेन स्टैंडर्ड फॉर द इंडिविजुअल विद इन दैट प्रोफेशन टू एडर इट्स ब्रिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट टू द इंडिविजुअल्स दैट द प्रोफेशन सर्व्स। कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से किसी भी प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं जो उस प्रोफेशन में वर्किंग होता है। मीन्स एज नर्सिंग में स्टाफ नर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, जो डिफरेंट पॉलिसीज, प्लानिंग, रोल, रेगुलेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियां सौंपेगा स्टाफ नर्स को, मिस और भी किसी भी प्रोफेशनल को। तो ये होंगे कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स नर्स को या किसी भी एम्प्लॉय को इन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करना है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया, फर्स्ट प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट कोड है प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मीन्स नर्स के एक प्रोफेशन में क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसके लिए फर्स्ट कोड का सब कोड, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, अप्रिशिएट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड नर्चर इट, मीन्स अपने आप को पहचानना, अपनी कीमत को पहचानना और इसको नर्चर करना, मीन्स एक तरह से ग्रोथ करना। नंबर नेक्स्ट, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट रिफ्लेक्टिंग द क्रेडिट अपॉन द प्रोफेशन, मीन्स इसके साथ साथ नर्स को अपना पर्सनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो एक तरह से नर्सिंग प्रोफेशन को अपहोल्ड करेगा। नेक्स्ट, कैरी आउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोफेशनल बाउंड्रीज, मीन्स नर्स को जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए हॉस्पिटल में उनको एक एथिकल बाउंड्रीज के, मीन्स प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही रह के काम करना है। मीन्स नंबर फोर्थ, इज अकाउंटेबल टू मेंटेन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड सेट बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मीन्स नर्स जो भी एक्टिविटी करेगी, नर्सिंग केयर करेगी, प्रोसीजर करेगी या उसका जो भी हॉस्पिटल में वर्क है वो एज द अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नर्स अपना प्रैक्टिस करेगी। नेक्स्ट, 1.5 कोड कहता है इज़ अकाउंटेबल फॉर ऑन डिसीजन एंड एक्शन, नर्स अपने डिसीजन और एक्शन के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट, 1.6 इज कंपैशनेट, मीन्स नर्स में एक तरह से दयालुता का भाव होना चाहिए जो ड्यूरिंग द केयर ऑफ द पेशेंट होगा। नेक्स्ट, 1.7 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ करंट प्रैक्टिसेस, इसके साथ साथ नर्स अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू इम्प्रूव करेगा बाई डिफरेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, 1.8 प्रोवाइड एडुकेट इन्फॉर्मेशन टू इंडिविजुअल दैट अलाउ देम इन्फॉर्म चॉइस, मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेशेंट दैट इज गिवन बाई नर्स बाई द पेशेंट चॉइसेस, नो विदाउट चॉइसेस देयर इज नो
डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, और 1.9 प्रैक्टिसेस हेल्पफुल बिहेवियर, इसके साथ साथ नर्स को एक अच्छा हेल्दी बिहेवियर मेंटेन करना है, अच्छा व्यवहार करना है इन हॉस्पिटल एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड विद द पेशेंट और देयर प्रोफेशनल कलीग्स और वर्कर्स। सेकेंड कोड ऑफ कंडक्ट नर्स एंड नर्स प्रैक्टिस, सेकेंड कोड ऑफ कंडक्ट नर्स प्रैक्टिस में नर्स सब कोड 2.1 प्रोवाइड केयर इन अकॉर्डेंस विद द सेट स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस, मीन्स पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड कराएगी वो कुछ जो भी स्टैंडर्ड नर्सिंग केयर के उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद ह्यूमन डिग्निटी इन प्रोवाइडिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट ऑफ केयर, मीन्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर द नर्स रेस्पेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी और रेस्पेक्ट द फैमिलीज इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग केयर एंड अकॉर्डेंस विद फिजिकल साइकोलॉजिकल इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल आस्पेक्ट ऑफ केयर। नेक्स्ट, 2.3 रेस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रमोटिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड डिस्करेजिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस, इसके साथ साथ नर्स को जो भी पेशेंट का ट्रेडिशन है कल्चर है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना है और जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट करना है और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है कि पेशेंट इनको इनसे दूर रहे। नेक्स्ट, 2.4 प्रेजेंट रियलिस्टिक पिक्चर ट्रूथफुली इन ऑल सिचुएशंस फॉर फैसिलिटेटिंग ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग बाय द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, मीन्स नर्स को पेशेंट को सारा चीज़ क्लियर कट बताना है, मीन्स किसी प्रकार का उसमें हमको कुछ छुपाना नहीं है, मीन्स पेशेंट की क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट है, कितने दिन इलाज चलेगा, सही दवा चल रहा है कि नहीं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट देना है जिससे कि पेशेंट को अपनी स्थिति के बारे में पता रहे, किसी तरह के अपन को पेशेंट से चीटिंग नहीं करना है। नेक्स्ट कंडक्ट कहता है प्रमोट पार्टिसिपेट ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट अदर इन द केयर, इसके साथ साथ पेशेंट की केयर में उसके रिलेटिव्स गार्जियन पेरेंट्स फ्रेंड्स को अपन एक तरह से हेल्पिंग के रूप में यूज कर सकते हैं इन एनी कंडीशन। 2.6 एंश्योर सेफ प्रैक्टिसेस, 2.7 कंसल्ट अकॉर्डेंस कोऑर्डिनेट कोलाबोरेट एंड फॉलोअप अप्रोप्रिएट व्हेन इंडिविजुअल्स केयर नीड एक्सीड द नर्स कॉम्पिटेंस, मीन्स यदि नर्स को कुछ चीज़ नहीं आ रहा है, मीन्स उसको कुछ चीज़ पता नहीं है तो अपने कलीग्स फ्रेंड्स जो भी स्टाफ नर्स है उनसे वो पूछ सकता है, उनका कोऑर्डिनेट ले सकता है, उनका सहयोग ले सकता है यदि देयर इज एनी डेफिशिएंसी और लेस ऑफ कॉम्पिटेंस इन एनी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल वर्कर। तो ये था कोड ऑफ कंडक्ट नंबर सेकेंड। कोड ऑफ कंडक्ट नंबर थर्ड, कम्युनिकेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेशेंट नर्स का कम्युनिकेशन कैसा होगा, उसके IPR किस तरह से उसको रखना है सेट, तो इसके लिए 3.1 नर्स एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटी, नर्स को एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करना है पेशेंट के साथ फैमिलीज के साथ और इन सोसाइटी और कम्युनिटी। 3.2 नर्स अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द टीम मेंबर्स एंड मेंटेन इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देम, मीन्स नर्स को अपने जो टीम मेंबर्स मीन्स डॉक्टर स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन वार्ड बॉय जो भी हेल्थ पर्सनल्स नर्स के साथ काम कर रहे हैं उनको उनकी डिग्निटी अगर रेस्पेक्ट करना है उनसे एक अच्छे IPR डेवलप करने हैं। 3.3 अप्रिशिएट एंड नर्चर्स प्रोफेशनल रोल ऑफ द टीम मेंबर्स, मीन्स जो भी टीम मेंबर्स है उनके एक्टिविटी को हमको अप्रिशिएट करना है नर्चर करना है मीन्स एक तरह से बढ़ाना है और उनका इस एप्रिशिएशन से एक तरह से उनको अच्छा और भी एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट,
नर्स कोऑपरेट विद द अदर हेल्थ प्रोफेशनल टू मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल्स फैमिली एंड कम्युनिटीज। नर्स किसी भी प्रोफेशनल वर्क का हेल्प कर सकता है जिससे कि पेशेंट को, उसकी फैमिली को, कम्युनिटी को लाभ हो। इन एनी कंडीशन नर्स एक तरह से आपसी सहयोग से पेशेंट, फैमिली, सोसाइटी को एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 कोड ऑफ कंडक्ट, वैल्यूइंग ह्यूमन बीइंग। हमें जो भी पेशेंट है उसका वैल्यू समझना है। नर्स को इसके लिए टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम हार्मफुल अनएथिकल प्रैक्टिसेस। मींस यदि हम या कोई भी स्टाफ नर्स हार्मफुल अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करा, मीन्स जैसे कि नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिसेस, देन प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड स्टॉप दीज इलीगल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट नंबर 4.2 कंसिडर रिलेवेंट फैक्ट वाइल टेकिंग कॉन्शियस डिसीजन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। मीन्स हम जो भी पेशेंट को केयर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे हमें जो भी कंसाइज डिसीजन, मीन्स एक तरह से बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन है, उनका यूज करना है विद दियर अकॉर्डेंस विद दियर फैक्ट्स। मीन्स इस फैक्ट्स के पीछे क्या कारण है, हम इस प्रोसीजर को करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इस प्रोसीजर या इस स्टेप का क्या रोल है, तो ये सारे हमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 4.3 एनकरेज एंड सपोर्ट इंडिविजुअल इन देयर राइट टू स्पीक फॉर देमसेल्फ ऑन इश्यूज अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड वेलफेयर। मीन्स एनकरेज एंड सपोर्ट इंडिविजुअल इन देयर राइट टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। मीन्स जो भी पेशेंट है, ये इसका राइट है कि वो कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे, उसकी समस्या है उसको नर्स को ध्यान से सुनना है। मीन्स ये पेशेंट का अधिकार है कि वो अपनी सारी बातें रख सकता है। हमें पेशेंट को दबाना नहीं है, चुप नहीं कराना, और एक तरह से जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम्स है उसको सुनना है। नेक्स्ट 4.4 रेस्पेक्ट एंड सपोर्ट चॉइसेस मेड बाय द इंडिविजुअल्स। सेम लाइक पेशेंट की जो भी चॉइसेस को हमको सपोर्ट करना है। तो ये था वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नंबर 5 मैनेजमेंट, दिस इज 5th कोड मैनेजमेंट। इन दिस नर्स एंश्योर अप्रोप्रिएट एलोकेशन एंड यूटिलाइज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। नर्स का जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स है, मटेरियल्स, उनका ठीक ढंग से यूज करे, प्रॉपर उसका एलोकेशन होना चाहिए। मीन्स जहाँ पर उसकी ज़रूरत है सेम उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूज लेना है। मीन्स कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। 5.2 कोड कहता है पार्टिसिपेट इन सुपरविजन एंड एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड अदर फॉर्मल केयर प्रोवाइडर्स। मीन्स हम एक तरह से हेल्थ एजुकेशन या टीचिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर स्टूडेंट और जो भी हेल्थ केयर वर्कर हमारे साथ वार्ड में प्रेजेंट है। 5.3 यूजेस जजमेंट इन रिलेशन टू इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस वाइल एक्सेप्टिंग एंड डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स हम जो भी स्टाफ नर्स वर्किंग है उसको हमको अकॉर्डिंग इट्स कॉम्पिटेंस में, उसकी बुद्धिमानी के अकॉर्डिंग, उसकी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग हमको उसको काम सौंपना है इन हॉस्पिटल। नेक्स्ट 5.4 फैसिलिटेट कंडक्टिव वर्क कल्चर इन ऑर्डर टू अचीव इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमको अचीव करना है बाई फैसिलिटेटिंग वर्किंग। नेक्स्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली फॉलोइंग अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर नेक्स्ट जो भी हमारा कम्युनिकेशन है मिस डॉक्टर से, नर्स से, उसको हमको प्रॉपर कम्युनिकेट करना है विद डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स बाई ओरली, वर्बल, रिटर्न, टेलीफोनिक, ईमेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्टिसिपेट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम इन द हॉस्पिटल। मीन्स हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना है टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट पार्टिसिपेट इन इवेल्यूएशन ऑफ नर्सिंग केयर। जो भी नर्सिंग केयर
पेशेंट को प्रोवाइड करा है उसको हमको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड एक्सेसिबल ऑफ सर्विसेज। इसके साथ साथ हमको हॉस्पिटल के या और किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट की पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, और हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज का एक तरह से फॉलो करना है, अनुसरण करना है कि ये इंस्टीट्यूट में हम जो भी एक्टिविटी करें इन पॉलिसीज के थ्रू करें। नेक्स्ट, 5.9, कोड कहता है वर्क विद इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई देयर नीड एंड सेंसिटाइज पॉलिसी मेकर्स एंड फंडिंग एजेंसीज फॉर रिसोर्स एलोकेशन। मीन्स नर्स को वर्क करना है किसी भी इंडिविजुअल के साथ एंड लाइक पॉलिसीज टू कंप्लीट द पॉलिसीज ऑफ द हॉस्पिटल एंड वाई द डिफरेंट रिसोर्स एलोकेशन। तो ये था 5.9, तो ये कंडक्ट है नर्स का इन मैनेजमेंट। नंबर 6 कंडक्ट एंड लास्ट कंडक्ट, प्रोफेशनल एडवांसमेंट। नर्स अपने प्रोफेशनल एडवांसमेंट के लिए इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाइल परस्यूइंग द एडवांसमेंट ऑफ देयर नॉलेज। नंबर 6.2 कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट, 6.3 पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी केयर। नेक्स्ट, 6.4 टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग ऑन नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज। और लास्ट एक, कॉन्ट्रीब्यूट टू कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज बाई कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च। तो 6 प्रोफेशनल एडवांसमेंट मीन्स प्रोफेशनल एडवांस के लिए नर्स, इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन्स जो भी पेशेंट के राइट है उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा वाइल परस्यूइंग द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। इसके साथ साथ वो पेशेंट का नॉलेज का एडवांसमेंट भी करेगा। सेकंड, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस के डेवलपमेंट में सहायता करना है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी केयर मीन्स पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी केयर मिले इसके लिए नर्स को पार्टिसिपेट करना है इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग ऑन नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। इसके साथ साथ पेशेंट को समय समय पर अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है बाय द डिफरेंट इन सर्विस और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। लास्ट, 6.5 कॉन्ट्रीब्यूट टू कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज बाई कंडक्टिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च एक्टिविटी। इसके साथ साथ नर्स को डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है मीन्स टू अल्टीमेट गोल ऑफ द दीज रिसर्च एक्टिविटी टू इन अपहोल्डिंग द नर्सिंग प्रोफेशन एंड टू इम्प्रूव और टू कॉन्ट्रीब्यूट कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज फॉर दियर वेरियस प्रोफेशनल वर्कर्स। तो ये थे फ्रेंड्स सम इम्पोर्टेंट कंडक्ट जो INC द्वारा दिए गए थे। फ्रेंड्स, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेज इन इंडिया, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिस कम इन वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। Then you see this video thoroughly and learn different code of conduct for professional nurses in India. ये बहुत important topic है, इसको आप ध्यान से पूरा देखें और इसको समझें। Means what is professional conduct and what are the different types of professional conduct that is given by the Indian Nursing Council INC। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके लिए आपने लाइक कमेंट ज़रूर भेजिएगा, और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा नर्सिंग मटेरियल, नर्सिंग केयर प्लान्स, फाइल वर्क, फैमिली फोल्डर्स, केस स्टडी एंड नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सो मैनी
टॉपिक्स ऑफ नर्सिंग हमने यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हुए हैं, तो आप इनको यूट्यूब चैनल से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।